नमस्कार। हेलो दोस्तों, मिश्रा आईटीआई टाइम यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपने वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु मिलने वाले स्मार्टफोन से जुड़ी हुई कुछ अच्छी जानकारी देने वाले हैं। ये जानकारी है गुड न्यूज प्राइवेट संस्थाओं से जुड़े हुए आईटीआई पॉलिटेक्निक बी फार्मा डी फार्मा के समस्त प्रथम द्वितीय और अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए भी है। ये सभी छात्र एवं छात्राएं इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस पर जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए, यह आपके लिए स्मार्टफोन वितरण से जुड़ी हुई एक अच्छी न्यूज़ है जो छात्र स्वपोषी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। JNCU बलिया से संबंधित समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया गया है। JNCU बलिया ने यह स्वपोषी संस्थाओं के प्राचार्य प्रबंधक के लिए एक नोटिस जारी किया है। जिसका विषय है उत्तर प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना के द्वितीय फेज में जिला प्रशासन से डिवाइस प्राप्त करने के संबंध में। इस सूचना में विशेष तौर से दिया गया है कि इस तत्क्रम में जिला प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया है जो द्वितीय फौज में जिला मुख्यालय से स्मार्टफोन टैबलेट प्राप्त करने के लिए निम्न प्रपत्रों के साथ महाविद्यालय के नोडल अफसर डीजी शक्ति पोर्टल पर सूचना प्राप्ति के पश्चात जिला प्रशासन से संपर्क करना सुनिश्चित करें। इसमें जो भी अभिपत्र है उसमें पहला है कि महाविद्यालय के प्रबंधक और प्राचार्य द्वारा प्रमाणित यानी कि स्वप्रमाणित जिसमें डिवाइस प्राप्त करने वाले नोडल अधिकारी की फोटो तथा हस्ताक्षर प्रमाणित हो और इसकी दो प्रति उनके साथ में होनी चाहिए। दूसरा प्रपत्र होना चाहिए जो दिया है प्राचार्य तथा डिवाइस प्राप्त करने वाले अधिकारी का आधार होना चाहिए और उसके साथ में फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। तीसरा प्रपत्र है विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत महाविद्यालय के प्राचार्य नोडल अफसर का अनुमोदन पत्र की प्रमाणित प्रति। और चौथा प्रपत्र है जिसे साथ में लेना जाना जरूरी है ऑनलाइन डिवाइस की प्राप्ति को डीजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड करने के लिए पोर्टल पर दिए गए मोबाइल नंबर से संबंधित सेट अवश्य रूपेण साथ में होना चाहिए। ये चारों प्रपत्र जो है साथ में होना चाहिए और ये चारों प्रपत्र साथ में लेकर के जिला प्रशासन से संपर्क करना जरूरी है। तो छात्रों, इस द्वितीय चरण में इस योजना के तहत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन दिए जाने की संभावना है। आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।